15 महीने हमारी सरकार रही, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से, अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बताना चाहता था। जो जा रहे थे सौदा करके, मैंने कहा जाइए आप सौदा कर लीजिए, मैं सौदा करने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी की कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया मैं बताता हूँ। मोदी जी, जिस स्कूल में आप गए, अगर गए, वो कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी, जिस स्कूल और कॉलेज में आप गए, वो कांग्रेस ने बनाया था। शिवराज जी आएंगे, ये तो मशीन है, घोषणा की मशीन है। शिवराज जी केवल घोषणा की मशीन नहीं है, मुंह चलाना बहुत जानते हैं। ये आज भाषण की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन है। पिछले 18 साल इनका राज रहा, ये अपना हिसाब देने की बात नहीं करेंगे। 18 साल का ये हिसाब दे, उसका जवाब नहीं देंगे। अब आप इतनी भारी संख्या में यहाँ आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। हरदा खेल और खेत की पहचान है हरदा की। जब भी हरदा की बात करो, सब खेल और खेत की बात करते हैं। पर यहां आके मुझे खुशी है, पर इस बात का भी दुख है कि आज खेत का क्या है। ये तस्वीर आप सबके सामने है, मुझे दोहराने की बात नहीं है। ये तस्वीर आप सबके सामने, आज पूरे प्रदेश का कैसे सत्यानाश किया जा रहा है, हमारे नौजवानों का भविष्य सत्यानाश, हमारे किसानों की आर्थिक मजबूती सत्यानाश, ये भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश को सत्यानाश किया है। भ्रष्टाचार की तो व्यवस्था बनाइए, हर चीज में भ्रष्टाचार। आज खाद में देखिए, अभी कहा जा रहा था, मैं आपको क्या कहूं, आप तो भुगते हैं। और कृषि मंत्री यहां से, सब जगह ये हालात है। शिवराज जी आएंगे, ये तो मशीन है, घोषणा की मशीन है। शिवराज जी केवल घोषणा की मशीन नहीं है, मुंह चलाना बहुत जानते हैं। ये आज भाषण की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन है। पिछले 18 साल इनका राज रहा, सही बात है ना। ये अपना हिसाब देने की बात नहीं करेंगे, 18 साल का ये हिसाब दे, उसका जवाब नहीं देंगे। अब विकास यात्रा ये निकालने जा रहे हैं, ये कौन सी विकास यात्रा है, कौन सी विकास यात्रा है? ये विकास यात्रा नहीं, निकास यात्रा है ये। आज प्रदेश मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश है, आज मध्य प्रदेश कुपोषण प्रदेश है, आज बड़े संक्षेप में आपसे एक दो बातें कहना चाहता हूं। हर चुनाव प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है, हर चुनाव जो 7 महीने बाद है विधानसभा का, ये अपना मायने रखता है। जनपद के चुनाव, पंचायत के चुनाव अपना मायने रखते हैं। तो जो 7 महीने बाद चुनाव है, जो इतना बड़ा प्रजातंत्र का उत्सव है, विकास की बात तो है, पर साथ साथ आप सबको अपने देश की संस्कृति, जो जोड़ की जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की संस्कृति है, आप उसके रक्षक हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है, माताओं और बहनों और नौजवानों सुन लीजिए, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म है, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां है, कोई देश, कोई देश ऐसा, कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हैं, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हैं, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हो, इतनी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं। हम यहां से दक्षिण जाते हैं, हमारी धोती और पजामा भी लुंगी बन जाती है। कितनी विभिन्नता, कितनी अनेकता अपने देश में, पर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है।
एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति, देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। आप सब शांति चाहते हैं, पर ये आज क्या हो रहा है हमारे देश की संस्कृति पर कमजोर किया जा रहा है। कैसे समाज को बांटे, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। तमिलनाडु में हिंदी का व्यवहार शुरू कर दिया, पंजाब में खालिस्तान का नारा 35 साल से नहीं लगा, आज खालिस्तान का नारा लग रहा है। तो आज हमारे देश की संस्कृति जो है, ये संस्कृति कैसे जीवित रहे, इस चुनाव में इसका फैसला करना है आपको। केवल विकास की बात नहीं है, पर इस संस्कृति का रक्षक आप है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, बाबा साहब अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि ऐसे देश के लिए संविधान बनाएं जहां इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है। ऐसा संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि कैसा प्रदेश और कैसा देश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये आपके सामने जिम्मेदारी है, ये चुनाव के मुद्दे हैं। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था, कैसा प्रदेश उन्होंने सौंपा था, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर वन देश में, किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? 15 महीने हमारी सरकार रही, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से, अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बताना चाहता था। जो जा रहे थे सौदा करके, मैंने कहा जाइए आप सौदा कर लीजिए, मैं सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं, और हमारी सरकार नहीं थी। पर हमने 15 महीनों में से, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी, हमारे कृषि क्षेत्र से हमने शुरुआत करी, किसानों का आर्थिक मजबूती बने। आपके गांव में किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में पैसा होता है, किसानों के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं जब किसानों की जेब में पैसा हो, उनकी खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो। तभी मैंने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में हम एक नई क्रांति लाए, आपको बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। क्या हमारे कार्यकाल में किसानों को बीज के लिए भटकना पड़ता था, खाद के लिए भटकना पड़ता था? मैंने कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ पूरे प्रदेश में किया, और हरदा में 23,277 किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये पहले किस्त में था, इसकी गवाह आप। शिवराज जी कहेंगे कुछ पूरा नहीं हुआ, मैं मानता हूं पूरा नहीं हुआ, मेरे पास समय कहां था, ये तो पहला किस्त था। मैंने तो कहा था हम सबका माफ करेंगे, अपनी सरकार आएगी हम किसानों का कर्जा आवश्यक माफ करेंगे। हमने अपना जब परिचय दिया, अगर बिजली दी, किसानों को सस्ती बिजली दी, मैंने 100 रुपए 100 यूनिट किया, कौन सा गुना मैंने किया, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने की कि गौशाला बनाएंगे, जो कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में गौशाला नहीं बने, मैंने 11 महीने में वो गौशाला, 1000 गौशाला बनाए। हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवान है, इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवान खड़े हैं, हमारी माताओं और बहनों ने कितने प्यार से इन्हें पाला पोसा है, यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। पर इनका भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश?
आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में अपनी सोच, आज के नौजवान में एक तरफ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये कैसे हो, जब तक यहां निवेश नहीं आएगा, जब तक लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं होगा, जो दक्षिण में अपना सामान बेचता है वो अपना कारखाना पंजाब और हरियाणा में लगाता है, मध्य प्रदेश नहीं आता। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं पर मध्य प्रदेश नहीं आता। क्यों नहीं आता? 100 रुपए में से जो निवेश लगता है 30 पैसे मध्य प्रदेश में लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास। ये आप कलाकारी कर लेंगे, आप ये मीडिया का इवेंट कर लेंगे, पर इससे विश्वास नहीं होगा। मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की पहचान बने। मैंने शुद्ध का युद्ध स्टार्ट किया, याद है, शुद्ध का युद्ध मैंने शुरुआत किया। माफिया के खिलाफ मैंने मुहिम चलाया कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से या मिलावट से नहीं हो सकती। लोगों को मध्य प्रदेश में विश्वास हो, एक नया विश्वास, एक पहचान मध्य प्रदेश की बने, ताकि लोग अपने आप आए, हमें बुलाने की जरूरत ना पड़े, उनका फायदा है। यह मेरा प्रयास था। और 18 साल में शिवराज सिंह जी ने दिया क्या, पूछिएगा उनसे जब ये विकास यात्रा में आएंगे, दिया क्या? आज हम पूछते हैं, आपने दिया क्या? महंगाई दी आपने, बेरोजगारी दिया आपने, भ्रष्टाचार दिया आपने, घर घर में दारू दी, सही बात है, माफिया राज दिया, भर्ती घोटाला। आज भर्ती में पैसे दो काम लो। शिवराज सिंह जी कहेंगे कि मैं 1,00,000 नौजवानों को रोजगार दूंगा, हर 3 महीने ये करते हैं, कहते हैं ना। मैं तो कहता हूं शिवराज जी ये छोड़िए, आप SC ST के जो रिक्त पद है वो तो भर दीजिए, जो गवर्नमेंट में रिक्त पद है वो भरिए आप। ये आज तस्वीर आप सबके सामने, ये तस्वीर आप सबके सामने, जहां हर व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग परेशान है, हमारा बेरोजगार घूम रहा है, हमारा किसान परेशान है, हमारा छोटा व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। ये तस्वीर आप सबके सामने, मैं तो जब ये पूछता हूं इनसे, मैं पूछता हूं कि मोदी जी आप कहते थे रोजगार देंगे, आप अब तो रोजगार की बात नहीं करते, मोदी जी की सब बात सुन आप सुनते हैं ना भाषण, रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, जहां कहा था उन्होंने कि किसान को लागत पर 50% नफा होगा, याद है। तो ये कहते हैं शिवराज सिंह और मोदी जी कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, मैं बताता हूं। मोदी जी जिस स्कूल में आप गए, अगर गए, वो कांग्रेस ने बनाया था, और शिवराज जी जिस स्कूल और कॉलेज में आप गए वो कांग्रेस ने बनाया था। और आप हमसे पूछते हैं, हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, याद है 2019 में पाकिस्तान की बात करने लगा, ध्यान मोहम्मद आपको इनकी राजनीति समझ नहीं है, कैसे ये मुद्दे लाएंगे जहां जनता को गुमराह किया जाए, जनता का ध्यान मोड़ा जाए, ये इनके मुद्दे। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे यही कहता चाहता हूं कि ये तस्वीर जब आपके सामने है, कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर ये तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हरदा के विकास का हम नया इतिहास बनाएंगे। हम नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, कृषि क्षेत्र में हम मजबूती लाएंगे। सच्चाई का साथ दे दीजिएगा और
मुझे पूरा विश्वास है हरदा के लोग सरल स्वभाव के हैं, हरदा के लोग स्वाभिमानी लोग हैं और उन्होंने हमेशा भविष्य को सुरक्षित रखा है। आपने आजमा लिया, विधानसभा के आपके सदस्य मंत्री को पहचान लिया, गलती मत करिएगा। आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल पहचान लिया, सच्चाई का साथ देंगे, हरदा का विकास का एक नया इतिहास शुरू होगा। और अगर आपने अपनी कब्र टाइट कर ली तो कोई नहीं रोक सकता, हरदा जिले का झंडा मध्य प्रदेश के विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।